आज की बात स्वागत। बौद्ध परंपरा में थेरवाद और थेरवाद में सबसे पहला नाम आता है उस ग्रंथ का जिसका नाम है विशुद्धि मग्ग। विशुद्धि मग्ग थेरवादी साहित्य परंपरा का एक ऐसा ग्रंथ है कि जो थेरवादी परंपरा को बड़े ही विस्तार से समझाता है। ये ग्रंथ जिन्होंने इसकी रचना की उनका नाम है बुद्ध घोष, और बुद्ध घोष आज की बात का वो पात्र है जो आप तक पहुंचाना है। तो लीजिए हम समझेंगे पहले बुद्ध घोष, उनकी जीवनी को भी, उनके दार्शनिक योगदान को, और बौद्ध दर्शन की जो दार्शनिक परंपरा है उस दार्शनिक परंपरा में उनके श्रेष्ठत्व। दरअसल बुद्ध घोष ये 5वीं शताब्दी में आते हैं और 5वीं शताब्दी में बौद्ध दार्शनिकों की परंपरा में अपने आप को स्थापित करते हैं और बुद्ध वचन अठ कथाओं के रूप में लेकर आते हैं। तो बुद्ध घोष को अठ कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन उनका ये जो विशुद्धि मग्ग है, ये विशुद्धि मग्ग उनका बड़ा आधारभूत ग्रंथ माना जाता है, और थेरवादी धर्म और दर्शन इन दोनों की परंपरा में यदि त्रिपिटक के टीका साहित्य में कोई नाम सर्वोपर आता है, मतलब सबसे ऊपर अगर कोई आता है, तो वो नाम है बुद्ध घोष का। यदि हम ये कहें कि बौद्ध साहित्य की जो अठ कथाओं की परंपरा है, मतलब जो टीका साहित्य है, उस टीका साहित्य में अठ कथा का जो साहित्य है, इस अठ कथाओं के निर्माता ही बुद्ध घोष है। बुद्ध घोष का यदि योगदान हम लोग देखें तो वो अठ कथाओं के रूप में तो आता ही है, लेकिन पाली साहित्य की समृद्धि के दृष्टि से भी बुद्ध घोष का जो योगदान है वो बिल्कुल अतुलनीय योगदान है। उनके जो प्रमुख जो ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं उसमें विशुद्धि मग्ग है, जो उन्होंने उपतिस जो है, जो प्रथम शताब्दी में हुए, इनका जो ग्रंथ था मूल रूप से वो ग्रंथ था विमुक्ति मग्ग, जिसे विमुक्ति मग्ग कहा जाता है। तो इसी के आधार पर बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग लिखा है। हम एक बात और भी समझे कि बुद्ध घोष ने ये जो साहित्य लिखे, इस साहित्य में यदि हम ये कहें कि बौद्ध साहित्य का और बुद्ध वचनों का यदि संपूर्ण विज्ञान जिस विश्वकोश में मिलता है तो वो बुद्ध घोष का साहित्य है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत जो धम्म संगीणी है, ये जो एक दार्शनिक ग्रंथ है, इसकी बुद्ध घोष ने टीका लिखी और उस टीका का नाम है अट्ठशालिनी। ये जो अट्ठशालिनी है, मतलब धम्म संगीणी पर लिखी हुई उनकी टीका, ये भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसने बुद्ध वचनों को चिरस्थाई बना दिया। यानी अट्ठशालिनी में जो कथाएं मिलती है वो कथाएं मूल रूप से बौद्ध साहित्य का और बुद्ध वचनों का और बुद्ध की जीवनी का वो अंग बन गई कि जिसे आज एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में लोग स्वीकार लेते हैं। अनुपिटक साहित्य का युग प्रवर्तक यदि किसी को कहा जाए तो फिर वो बुद्ध घोष का नाम आएगा, और उन्हें ही इस प्रवर्तक के रूप में, यानी कि अनुपिटक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में उन्हें ही सम्मानित किया जा सकता है। यदि हम बुद्ध घोष का जीवन परिचय देखें तो महावंश में उनका जीवन परिचय मिलता है, और वहाँ महावंश के अनुसार अगर देखें तो वर्तमान जो बिहार है, इस बिहार में बोध गया बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस बोध गया के पास घोष नामक एक गांव है, और इस घोष नामक गांव में बुद्ध घोष का जन्म हुआ। इन्हें घोष ही कहा जाता था। अब इनके
पिता का नाम केसी और इनके माता का नाम केसनी था। ये दोनों वहां किसी राजा के यहां, मतलब दोनों तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उनके पिता जो है वो राजा के यहां पुरोहित का काम करते थे। लेकिन बुद्धघोष के विषय में एक बात कही जाती है कि बुद्धघोष ने सातवीं वर्ष की आयु में ही, मतलब जब उनकी उम्र 7 वर्ष की थी, तभी उन्होंने धर्म शास्त्रों का बड़ा गाढ़ा अध्ययन कर लिया था और बड़ा गहरा अध्ययन कर लिया था। और इस स्थिति को अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धघोष एक अलौकिक बालक के रूप में उस वक्त प्रचलित थे। इनके पिताजी वेद पढ़ाने के लिए राजदरबार में जाते थे और कई बार ऐसा होता था कि बुद्धघोष ये अपने पिता के साथ राजदरबार में चले जाते थे जब वो राजा को वेद पढ़ाने जाते थे। तो राजा को वेद पढ़ाने जाते समय एक बार की एक घटना ये मिलती है कि वेद के एक पद का अर्थ उसके पिताजी नहीं समझा पाए, बुद्धघोष के पिताजी। तो बुद्धघोष वहां से आ गए। फिर जब उसके पिताजी जब लौट कर आए तो उन्होंने क्या किया कि वो जो अर्थ समझा नहीं पाए थे वहां पर उन्होंने उस अर्थ को लिख दिया। जब उनके पिता ने देखा कि भाई ये अर्थ यहाँ किसने लिखा और उन्हें पता चला कि ये बुद्धघोष ने लिखा है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा कि भाई इनके पास कितनी अलौकिक बौद्धिक क्षमता है ये। और वे फिर राजा से भी ये पूरी घटना उन्होंने शेयर की, उनको बताया कि भाई इस तरह से ये जो इसका अर्थ है ये अर्थ बुद्धघोष ने लिखकर रखा। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने प्रसन्न होकर बुद्धघोष के पिता को एक पूरा गांव ही दान दे दिया। एक दूसरी घटना ये भी मिलती है कि एक बार राजदरबार में जहां बुद्धघोष बैठते थे वहां एक उनके पिताजी के मित्र वहां पर आ गए। वो थेर थे, वो आए बैठ गए। अब बुद्धघोष आए वहां, फिर बुद्धघोष ने देखा उनको और कहने लगे कि भाई इनको तो ना वेद पता है ना अन्य किसी दर्शन का इनको पता है। तो उन्होंने कहा थेर ने कि मैं वेद भी जानता हूं और मैं अन्य ग्रंथ अन्य दर्शन भी जानता हूं। तो बुद्धघोष ने तुरंत कह दिया कि भाई ये पाठ पढ़कर बताओ। तो उन्होंने उसका पाठ करा दिया वेद का। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं बौद्ध भिक्षु हूं, बौद्ध धर्म का उपासक हूं। तो उससे बड़े प्रभावित हो गए बुद्धघोष। और फिर थेर ने उन्हें बौद्ध दर्शन का इतना सटीक अभिधम्म पिटक से विश्लेषण दिया और वो पूरा वर्णन सुनकर बुद्धघोष प्रभावित हो गए। उनको लगा कि भाई इनके पास तो बहुत कुछ है। इस बात से एक ये भी बात आप समझिएगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बौद्ध सेमिनरी की संकल्पना रखी तो ये बात जरूर कही कि बौद्ध भिक्षु को सब तरह का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जितने धार्मिक प्रवाह प्रचलित है उनका भी ज्ञान होना चाहिए और बौद्ध साहित्य का बौद्ध दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को ठीक तरीके से समझा सके। यहां यदि हम इस थेर को देखें, इस थेर का नाम रेवत स्थवीर, तो ये रेवत जो है महास्थवीर, इनमें ये वो बात थी और ये बुद्धघोष उनसे प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? तो महास्थवीर रेवत ने कहा कि भाई देखिए आप अगर विधिवत दीक्षा लेते हैं तो जरूर आप हमारे साथ रह सकते हैं। तो बुद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने महास्थवीर रेवत से ही ली और बुद्ध घोष यहां से उनका जन्म होता है और फिर उनको नाम मिला बुद्ध घोष और फिर भिक्षु के रूप में
वे आगे बढ़ते रहे। महास्थवीर रेवत की शिष्यता में उन्होंने बौद्ध दर्शन का भी अभ्यास किया, उसका अध्ययन किया, उसको जाना समझा और बौद्ध व्याख्याता के रूप में, एक अच्छे विश्लेषक के रूप में उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग जहां तहां बुद्ध घोष का ही जय घोष करने लगे। बड़े लंबे समय तक वे बोधगया में रहे। अब घोष जो गांव था उनका, वो बोधगया के पास ही था, तो बोधगया में उनका बहुत सारा समय गया। और बोधगया में जो सिंहल भिक्षु थे, इन सिंहल भिक्षुओं के, सिंहल यानी श्रीलंका के भिक्षु, सिलोन के भिक्षु, तो इनके देखरेख में और इनके आधिपत्य में उनका बहुत सारा समय गया। उस वक्त की ये बात भी हम लोग समझ सकते हैं कि उस वक्त सिंहल के भिक्षु बोधगया के आसपास आकर अध्ययन करते रहे होंगे, तभी ये लोग, तभी बुद्ध घोष उनके सानिध्य में रहे। बोधगया में निवास करते हुए उन्होंने उनकी एक पहली रचना की और उसका नाम है अणोदय। और इसके बाद धम्म संगिनी की जो अट्ठ कथा है, अट्ठशालिनी, इसको अब उन्होंने, इसकी उन्होंने रचना की, इसे लिखा। इसके बाद उन्होंने गुरु महास्थवीर रेवत से मिले और महास्थवीर रेवत ने उनसे कहा कि सिंहल से केवल मूल त्रिपिटक ही लाया गया है, सिंहल से जो लाया गया है, सिलोन से जो लाया गया है, वो मूल त्रिपिटक ही है। यहाँ न अट्टकथाएं हैं और न विभिन्न आचार्यों की परंपराएं। ये बौद्धों की विशेषता है। बौद्ध अपने साहित्य को हर वक्त में गढ़ते चलते हैं। मतलब जो पुरातन साहित्य होता है, वो साहित्य में वर्तमान समय का जो विश्लेषण होता है, वो विश्लेषण भी उसके साथ जोड़ते चलते हैं, और ऐसे वो साहित्य विशाल साहित्य में परिवर्तित होता चला जाता है। तो रेवत महास्थवीर ने उनसे कहा कि देखो, सिंहल द्वीप में महेंद्र द्वारा मूलतः अट्ठकथाएं ले जाई गई और बाद में सिंहली भाषा में अनुवादित अट्ठकथाएं हैं। तुम वहां जाओ और उन ग्रंथों का अध्ययन करो, फिर पाली भाषा में उसका रूपांतरण करो। बुद्ध घोष पर यह जिम्मेदारी अब महास्थवीर रेवत ने दी। बुद्ध घोष इसके लिए तैयार हो गए। वे श्रीलंका गए, सिंहल द्वीप गए और वहां जाकर सिंहली भाषा सीखी। सिंहली भाषा सीख कर वहां जो मूल त्रिपिटक था, वहां की जो अट्टकथाएं थी, उन सब का उन्होंने पाली में अनुवाद किया। और ये जो समय है, ये 420 ईस्वी के आसपास का समय है जब बुद्धघोष श्रीलंका गए थे अनुराधपुर में। और उस वक्त में श्रीलंका के राजा जो थे वो महानाव थे, और वहां उन्होंने प्रसिद्ध थेर संघपाल, इनके सानिध्य में रहकर उन्होंने सिंहली भाषा को सीखा और वहां अट्टकथाओं का अध्ययन किया। एक बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो थेर संघपाल जो हैं, भिक्षु थेर संघपाल, ये सिंहली भाषा में बौद्ध साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। तो यहीं पर श्रीलंका में वहां के जो थेर है उपतिस, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था विमुक्ति मग्ग। तो इस विमुक्ति मग्ग की रचना तो उन्होंने प्रथम शताब्दी के आसपास की थी, उसी का पाली अनुवाद विशुद्धि मग्ग इस नाम से बुद्ध घोष ने किया, जिसे हम विशुद्धि मार्ग कहते हैं। और फिर दरअसल ये टीका है, और फिर ये टीका इतनी प्रसिद्ध हुई कि आचार्य बुद्ध घोष ने इस विशुद्धि मग्ग में ये जो योग साधना पद्धति है, इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। क्योंकि योग साधना पद्धति जो है, ये मूल रूप से बौद्धों की परंपरा रही है, और इसका विश्लेषण बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग में किया है। और इसलिए ये जो सारे बौद्ध सिद्धांत है जो इस वक्त हमें मिलते हैं, इसमें बुद्ध घोष का जो योगदान है, ये योगदान बहुत बड़ा योगदान है। एक और बात है कि दिग्निकाय तथा धम्म संगिनी पर उनका जो भाष्य है बुद्ध घोष का, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो बुद्ध घोष के ऐसे जो अलग अलग व्यक्तित्व रहे हैं, लेकिन
दार्शनिक परंपरा में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, दर्शन शास्त्र में उनके दर्शन को समझेंगे हम लोग, लेकिन अभी आज इस वक्त नहीं समझेंगे क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। तो हम अगली कड़ी में आपसे जब बात करेंगे तो बुद्ध घोष के जो दार्शनिक साहित्य है, बुद्ध घोष ने जो दार्शनिक कृतियों की रचना की है, इन रचनाओं में वास्तव में वे क्या समझाना चाहते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ रुकते हैं, अब हमें इजाज़त दीजिएगा।